मुक्त वातावरण में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रांची पुलिस को दी गई। इस आलोक में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति और जिला बलों की प्रतिनियुक्ति जो है वो रांची जिला में की। रांची लोकसभा सीट के लिए 25 मई को वोटिंग होनी है। चुनाव को लेकर दूसरे राज्यों से और साथ ही केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवान भी रांची पहुंचे हैं, जिसे लेकर ही एरिया डोमिनेशन को लेकर सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसके साथ ही लोग निर्भीक होकर वोटिंग करें, इसका संदेश भी फ्लैग मार्च के जरिए दिया जा रहा है। चुनाव को लेकर रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का निरीक्षण किया जा रहा है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया है। इसके तहत शहर के लोअर बाजार, हिंद पीढ़ी, कोतवाली सदर सहित चुटिया और अन्य थाना क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया है। साथ ही सुरक्षा में तैनात जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसके तहत सामाजिक तत्वों, अपराधियों और बूथों पर हंगामा करने पर सख्ती से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। तो वैलिड डॉक्यूमेंट है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कहा गया है कि जो पहचान पत्र है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के अनुसार एक निष्पक्ष जो है और भयमुक्त वातावरण में इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी रांची पुलिस को दी गई। इस आलोक में अर्धसैनिक बलों की प्रतिनियुक्ति और जिला बलों की प्रतिनियुक्ति जो है वो रांची जिला में की गई है। अभी हम लोग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने का काम कर रहे हैं। सभी क्षेत्र में सभी वोट सभी बूथ पे हम लोग जा करके इन फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ताकि आम लोगों के बीच में किसी तरह का कोई भय ना रहे और खुल करके वो अधिक से अधिक संख्या में जो है मतदान करें, मतदान अपना इस लोकतंत्र में अपना योगदान दें। और इसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर बूथ पर जो है पर्याप्त संख्या में जो है बल की प्रतिनिधि की जा रही है, और हम लोग कोशिश करेंगे कि रांची जिला में अधिक से अधिक मतदान हम लोग करा सकें। सर, एक बार फ्लैग का आज हम लोग ने फ्लैग मार्च किया है, जहाँ पे भी ऐसा प्रतीत हुआ है कि जिन जगहों पे कभी कोई ऐसा पूर्व का कोई इतिहास रहा है या जहाँ पे कुछ गड़बड़ी की संभावना है, ऐसे सभी क्षेत्रों में जो है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए आज हम लोग इको और सीआरपीएफ के माध्यम से हम लोग जो है हम लोग इसको फ्लैग मार्च किए हैं और सभी को बूथ फैमिलाइजेशन भी करा रहे हैं। सभी को बूथ पर ले जा करके दिखा रहे हैं, ताकि वो पहले से बूथ को देखे रहें और उस एरिया से वाकिफ रहें। तो आज हम लोग ये फ्लैग मार्च के माध्यम से रांची जिला के सभी शहर, रांची जिला के शहरी क्षेत्र में जो है सभी थानों क्षेत्र में जो है सीआरपीएफ की कंपनियों का फ्लैग मार्च किया जा रहा है। सर, शरारती तत्वों को क्या कुछ देखिए, ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के आलोक में शरारती तत्वों के विरुद्ध में ऑलरेडी पहले से ही 107, 110, 116 की कार्रवाई की गई है। जो और नोटोरियस है उनके विरुद्ध में जो है जिला पदर की कार्रवाई और थाना हाजिरी की कार्रवाई की जा रही है, और कुछ यदि बदमाश है तो उनको पकड़ करके गिरफ्तार करके हम लोगों ने जेल भेजने का काम किया है।